हेलो फ्रेंड्स, मैं शशांक, शशांक एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बनाएंगे कमाल का बोर्ड जो कि आपके बहुत ही काम आएगा। अगर आप साइंस प्रोजेक्ट बनाते हो तो ये आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। इसमें खास बात यह है कि आप इसमें हम 5 वोल्ट का DC आउटपुट लगाएंगे जिससे आप अपना कोई भी काम दे सकते हो, आप कोई भी चीज़ टेस्ट कर सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया, हम बनाएंगे एक्सटेंशन बोर्ड जो कि आपके बहुत काम आएगा। तो उसके लिए हमें चाहिए 7x15 cm के स्क्वायर रेक्टेंगल पीसेस। ऐसे आपको 4 पीस काटने होंगे और 7 cm के स्क्वायर के 2 पीसेस। तो फ्रेंड्स, चलिए फटाफट से काट लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने 7x15 cm के काट के 4 पीस किए, 1, 2, 3। और जो चौथा वाला पीस है, यानी कि जो हमें ऊपर रखना है, ये ऐसे इसे हमें खुला छोड़ना होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसे आपको थोड़ा खुला छोड़ना होगा। ये आपका कुछ इस तरह से। अब हमने इसका बॉक्स बना लिया। 7 cm के स्क्वायर के 2 पीसेस यहाँ में 1, 2, 3 होल करना है और इस साइड में 1 होल करना है LED बल्ब लगाने के लिए। फ्रेंड्स, चलिए फटाफट से जान लेते हैं कि हमें बनाने के लिए क्या क्या सामान चाहिए। फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए आपको चाहिए 2 मल्टी प्लग, जिसे आप 3 पिन भी कहते हैं, 1 चार्जर जिससे हमारा 5 वोल्ट का आउटपुट DC होगा, 2 स्विच, 1 चार्जिंग पिन, 1 डायोड, 1 LED जो कि हमारे ये इंडिकेट करेगा कि हमारा जो ये मल्टी प्लग है काम कर रहा है कि नहीं, और एक प्लग जिसमें वायर लगा हो, आप वायर किसी भी लेंथ का ले सकते हो, और एक बल्ब फ्रेंड्स, और एक बैटरी। फ्रेंड्स, आप सोचोगे कि अब काफ़ी सारे सामान हो गए तो हम बनाने क्या वाले हैं। तो दोस्तों, हम बनाएंगे एक एक्सटेंशन बोर्ड जिसमें होगा आपका ये LED बल्ब। अगर आपका ये खो जाता है या आप अंधेरे में लाइट चली जाती है तो आप बना नहीं पाते हो, तो उसलिए हमें चाहिए ये LED बल्ब, और बैटरी और स्विच भी हमें उसी के लिए चाहिए, चार्जिंग पिन भी उसी के लिए ही चाहिए हमें। फ्रेंड्स, ये हमें चार्जर के अंदर से खोल के निकाला था, कहेंगे भाई नितिन यहाँ है। फ्रेंड्स, ये हमें चार्जर के अंदर से खोल के निकाला था और इसका हमें बहुत काम आएगा। हम इससे 5 वोल्ट DC निकालेंगे खराब चार्जर से। अगर आपके पास खराब चार्जर हो, चार्जर तो हर घर में होता है, अगर आपके पास खराब चार्जर नहीं हो तो आप अपने अच्छे वाले चार्जर को मम्मी को बिना बताए काट लेना, क्योंकि मम्मी को पता चल जाएगा तो मम्मी बहुत मारेगी। फ्रेंड्स, फटाफट से जान लेते हैं कि अब हमें करना क्या है। तो फ्रेंड्स, अब हमने होल कर लिया इसमें, जिसमें हमारा ये स्विच लगेगा। यह हमने 3 लोड किए, 1, 2, 3। इसमें हमारा ये 1 रहेगा और 1 ये रहेगा। फ्रेंड्स, और ये वाला जो होल है इसमें हमें बल्ब लगाना है, ये वाला, ये AC बल्ब है। अब ये मत सोचना ये AC में से निकलेगा, ये बल्ब जो है अल्टरनेट करंट से चलता है, यानी डायरेक्ट चलता है 220 वोल्ट से। और अब हमें चाहिए ये वाला जो तार है, इसे हमें इस होल में से निकाल लेना है। फ्रेंड्स, चलिए अब इसके कनेक्शन पे आते हैं कि हमें बनाना कैसे है। तो दोस्त, इसका कनेक्शन बहुत ही सिंपल है। यहाँ हमें बना लेना है 3 पिन, जिसमें से 1, 2, 3 है। यहाँ हमारा हो जाएगा स्विच 1, 2, जिसमें से 2 है। ये स्विच आपको 5 रुपए तक की मिलती है, 5 से लेके 20, 30 पता नहीं कितने, जो बनाता है वही जाने, भगवान ही मालिक है उसका। यहाँ हमारा हो जाएगा प्लग, जिसमें से 2 वायर निकले होंगे, और यहाँ हमारा हो जाएगा LED रेजिस्टेंस। फ्रेंड्स, वो जो बल्ब था AC बल्ब, उस वो हमें रेजिस्टेंस के साथ मिलता है, वो 5 रुपए का भी मिलता है, 10 रुपए का भी मिलता है। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ हमारा 1 3 पिन है, यहाँ हमारा एक और हो गया। तो फ्रेंड्स, इसका कनेक्शन बहुत ही सिंपल है। पहले आपको क्या करना है कि जो ऊपर वाला जो सिंगल होता है, ये किसी काम का नहीं होता, आप इसे हटा सकते हो। तो हम चलिए इसे हटा देते हैं। ये जो नीचे वाला है, 1 लाना है आपको स्विच में, और स्विच से सीधा लाना है आपको 1 प्लग में, ठीक है। 1 डायरेक्ट लाना है आपको यहाँ प्लग में। ये तो आपके नॉर्मल बैटरी और स्विच जैसे कनेक्शन है।
अब जो एलईडी है उसे हमें ज्वाइन कर देना है एक स्विच में, और एक जो है हमें ज्वाइन कर देना है इसमें थ्री पिन में, या आप इसे डायरेक्ट प्लग में भी ज्वाइन कर सकते हो। फ्रेंड्स एक बात याद रखना कि जिस आपका जिधर प्लग रहेगा उसके दूसरे साइड में आपको लगाना है ये स्विच। अब ये जो दूसरा वाला है इसका एक तार सीधा इसमें लगाना है और दूसरा तार सीधा इसमें लगाना है। तो इतना कनेक्शन बहुत ही सिंपल था। अब जो बल्ब वाला कनेक्शन है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले हम इतना कर लेते हैं। तो मेरे दोस्त यहाँ हमने लिया है तो थ्री पिन या मल्टीप्लग भी आप इसे कह सकते हैं। इनके नाम ये, एक का नाम है नील, नितिन, मुकेश। वाओ तीन तीन, नील, नितिन, मुकेश, हीरो है। तो फ्रेंड्स हमें ले लेना है हमारा एक थ्री पिन जो है उसे हम इस साइड लगा देंगे और दूसरा वाला थ्री पिन हम इस साइड लगा देंगे। और जो हमारे दो वायर हम इस बल्ब को पहले निकाल देते हैं, हमारा जो दो वायर है उसे हमें डायरेक्ट इसमें ऐसे टाइट कर देना है। आप शोल्डर कर सकते हो लेकिन शोल्डर मत करना, वो अगर ढीला हो गया तो वो खराब हो जाएगा। ऐसे भी ये बहुत जल्दी हीट प्रोवाइड करता है तो शोल्डर जो है पिघल जाएगा। तो फ्रेंड्स हम एक इसमें टाइट कर लेंगे और जो दूसरा है उसे हम इसमें टाइट कर लेंगे। तो दोस्त यहाँ हमने दोनों वायर ज्वाइन कर लिए हैं। अब बारी है हमारी स्विच की, तो हम स्विच उसी साइड लगाएंगे जिस साइड से हमें पास पड़ेगा। तो अब हमें करना क्या है, हमें ये बीच से वायर काट देना है। और एक वायर ऐसे लगाना है और एक वायर ऐसे लगा देना है। तो फ्रेंड्स हमने स्विच भी जो है वो ज्वाइन कर लिया है। ओ सॉरी, एक साइड का छूटा हुआ है, सॉरी फ्रेंड्स, छूट गया। तो फ्रेंड्स ये अभी जो है ये हमारा थोड़ी देर का कंप्लीट हो चुका है, स्विच लग गया है पूरा पूरा। आधा तोड़ के लगा देना, अगर आपके पास पूरा स्विच नहीं है तो आधा तोड़ के आप लगा देना, ठीक है। हम इस कॉल देना अपने फेक नंबर से, सबके अकाउंट में 2000 नंबर जाएंगे, सॉरी 2000 रुपए जाएंगे सबके फेक अकाउंट में अपने फेक नंबर से मैसेज करना हमें। तो दोस्त अब बारी है बल्ब की, तो एक जो रेजिस्टेंस है उसे हमें इस साइड में लगा देना है। दोस्त हमें रेजिस्टेंस जो है वो मैंने आपको बताया था कि हमें प्लग, सॉरी हमारा जो हाँ प्लग है उसके हमें दूसरे साइड लगाना है, तो इस वाले में, और जो दूसरा वाला वायर है उसे हमें इसमें कनेक्ट कर लेना है ऐसे। फ्रेंड्स ये हमारा कनेक्ट हो चुका है, अब चलिए हम इसे पहले टेस्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ हम लेंगे प्लग और इसे अपने जो बोर्ड है उसमें हम लगा देंगे। फ्रेंड्स अभी ऑफ है, हम इसे ऑन कर लेते हैं। फ्रेंड्स आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि बल्ब जो है थोड़ी फ्लक्चुएट कर रही होगी। तो फ्रेंड्स ऐसा होता है क्योंकि कैमरे के सामने केवल ऐसे होते हैं। हमने कर लिया ऑफ। फ्रेंड्स ये जो बल्ब है ये आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएगी क्योंकि इसमें आपको पता चल जाएगा कि अभी देखिए मैं लाइट्स ऑफ कर रहा हूँ तो आप देख लेंगे कि इसमें हल्का हल्का करंट आ रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें हल्का हल्का जो करंट है वो आ रहा था, अभी बंद हो जा रहा है। हो गया इतना, अब हम बोर्ड में से निकाल लेते हैं क्योंकि ये 220 वोल्ट कैरी करता है तो हमें शॉक लग सकता है, डेंजर। अब आपको करना क्या है कि आपको दो वायर और लेने हैं और एक इसमें से निकाल के इसमें और एक इसमें से निकाल के इस वाले में हमें लगा लेना है, फटाफट से लगा लेते हैं। तो दोस्त यहाँ हमारा दूसरा सर्किट भी कम्प्लीट हो चुका है, एक वायर निकाल के इसमें, एक बार निकाल के इसमें, बहुत ही सिंपल है दूसरा कनेक्ट करना। चलिए इसे भी हम फटाफट से चेक कर लेते हैं। फ्रेंड्स हमारे दोनों बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहा है। आपको खाली ये काम करना है कि आपको ये ध्यान देना है कि कोई भी वायर एक दूसरे से न चिपकने के, वो शॉर्ट सर्किट हो सकता है, फिर आपकी मम्मी आपका सारा सर्किट उड़ा देगी, आपको पता नहीं क्या क्या करेगी, नचा के पीट के खा लेगी, पता नहीं क्या जो भी। दोस्त यहाँ हमारा सर्किट कंप्लीट हो चुका है, अब आ रही है हमारा चार्जर। तो ये हमारा पहला पार्ट हो जाएगा,
चार्जर का ये जो दो है इसे हमें दूसरे वाले मल्टीप्लग में ऐसे लगा देना है। फ्रेंड्स एक बात याद रखिएगा, जहाँ से हमारा दो एसी करंट फ्लो होता है वहीं हमें ये दो तार लगाने हैं। यहाँ टू 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 वायर ले लिए। अब मैं इसे इन दोनों में घोंप दूंगा, लगाऊंगा नहीं घोंप दूंगा। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारा जो ये है बहुत ही अच्छा वर्क कर रहा है। अब हमें करना क्या है कि अब हम ये दो लेके टेस्ट करेंगे अपने किसी कंपोनेंट में कि हमारा वो सही चल रहा है कि नहीं। तो चलिए फटाफट से कंपोनेंट ले लेते हैं। फ्रेंड्स ये हमारा जो ये है वो भी अभी सही वर्क कर रहा है। तब तक जैसे कि आप देख पा रहे हैं मोटर की चाप बहुत अच्छे से रोटेट कर रही है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मोटर की चाप बहुत ही रोटेट हो रही है। अब हम इसे रोक लेते हैं, हमारे ये भी अच्छे से वर्क कर रहा है। फ्रेंड्स अब हम चार्जर लेंगे और अब हम इसमें कनेक्ट करके देख लेंगे कि हमारा जो करंट है वो आ रहा है कि सिर्फ हमारा ये बल्ब भी जल रहा है या तो ये खराब है, क्योंकि मैंने कनेक्शन बहुत ही अच्छे से किया। और इसे चेक करने के लिए हम ले लेंगे एक चार्जिंग पिन। ठीक है अब हम इसे लगा लेते हैं अपने बोर्ड में। फ्रेंड्स ये बल्ब जो है जलने लगी, सॉरी ग्लो करने लगी, जल जाएगी तो आप लगा देते हैं। फ्रेंड्स हमारे चार्जिंग पिन में थोड़ी खराबी है। फ्रेंड्स जैसे कि आप देख पा रहे हैं जो बल्ब है बहुत ही अच्छे से ग्लो कर रहा है और हमारा चार्जर ये यहाँ। हमारा ये जो है बहुत अच्छे से ग्लो कर रहा है, इसका हो गया। अब हम इसे दूसरे वाले में लगा के चेक कर ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स इसमें थोड़ी चेंज है, हम बल्ब इसमें नहीं लगा सकते हैं। फ्रेंड्स इसमें थोड़ी दिक्कत आ रही थी, हमारा जो ये है वो शॉर्ट सर्किट कर सकता है, इसलिए हम इसमें बल्ब नहीं लगाएंगे। ये हमारा जो प्लग है ये शॉर्ट सर्किट कर सकता है इसलिए हम बल्ब इसमें नहीं लगाएंगे। और ये हमारा इतना बन के हो गया रेडी। अभी इसे एक और बार चेक कर लेते हैं। फ्रेंड्स ये बल्ब जो है बहुत ही अच्छे से वर्क भी कर रही है। तो दोस्त मैंने आपसे एक छोटा सा मजाक किया था, आपने ये दिल पे सीरियसली न लिया हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हम बल्ब बनाएंगे, जो मैं आपसे कहता हूँ वो हम करते हैं, जो नहीं कहता हूँ वो भी करते हैं, क्योंकि वो करना ही पड़ेगा। फ्रेंड्स हम बल्ब बनाएंगे, लगाएंगे इसमें बल्ब। मैंने आपसे बस एक छोटा सा मजाक किया था, आपके रिएक्शन देखने के लिए। आपका रिएक्शन थोड़ा अलग ही हुआ, मैंने बोला करूंगा और नहीं करूंगा तो आप थोड़ा डर गए। नील नितिन मुकेश बेचारे दुखी हो गए थे थोड़ी देर के लिए जब मैंने बोला। तो दोस्त चलिए अब आ जाते हैं अपने हम दूसरे कनेक्शन पे। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारा जो है वो बल्ब हो जाता है, यहाँ हो जाती है बैटरी, यहाँ हो जाता है स्विच, यहाँ हो जाता है चार्जिंग पिन, एलईडी इंडिकेशन के लिए विथ रेजिस्टेंस। तो फ्रेंड्स हमें करना क्या है, हमें बल्ब का एक हिस्सा इसमें डालना है माइनस प्लस, और बैटरी का माइनस इसमें डालना है प्लस, बल्ब के डायरेक्ट प्लस से कनेक्ट करना है। अब रिचार्ज हो। तो फ्रेंड्स यहाँ हम लगाएंगे एक डायोड IN400, उससे बैटरी के सीधा प्लस में और इसका एक सीधा
माइनस में हो गया ये। अब बल्ब का एक इसमें और एक इसमें, बहुत ही सिंपल सा सर्किट डायग्राम था। मैं इसे 2 सेकंड के लिए रोक दे रहा हूँ, आप चाहो तो एकदम क्लियरली देख सकते हो। फ्रेंड्स आपने देख लिया, अब हम चलिए इसे फटाफट से ज्वाइन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा पूरा बोर्ड जो है वो बन के तैयार हो चुका है। अब हमें करना क्या है कि हम पहले जॉब कर ले, बहुत ही डेंजरस। अब हमें करना क्या है, हम इसके चारों ओर फेविकोल लगा देंगे। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको आज की हमारी वीडियो? अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्त कैसी लगी आपको आज की हमारी वीडियो? अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और नील नितिन मुकेश को मत भूलना, बेचारे अपसेट हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स बाय।